नमस्कार, मैं हूं निमेश चौबे। आप सभी का ग्रेट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फेसबुक का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे अकाउंट पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। दोस्तों, कई बार हम किसी साइफर कैफे में अपना अकाउंट लॉगिन कर देते हैं या अपने किसी दोस्त के डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन कर देते हैं और लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में वो व्यक्ति आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, गलत जानकारियाँ शेयर भी कर सकता है या आपके अकाउंट को हैक भी कर सकता है। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि वो आपका दोस्त है या साइबर कैफे वाला आपके पहचान का है तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी के स्मार्टफोन में या किसी के डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया है तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी के डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया है तो कैसे आप अपने डिवाइस से उसे लॉग आउट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए आप दुनिया में किसी भी डिवाइस में अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं तो आप उसे अपने डिवाइस से घर बैठे उसे लॉग आउट कर सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसी फेसबुक सिक्योरिटी के ऊपर ही बात करने वाला हूँ और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट सेफ रख सकते हैं, कैसे अगर आपका पासवर्ड किसी को मिल भी जाए तो आपका अकाउंट वो हैक नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पर इसके डेटा लीक होने के मामले भी कई बार सामने आते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं और अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपने अगर किसी के डिवाइस में अपना अकाउंट लॉगिन भी कर दिया है या आपको पता नहीं कि आपने किसके स्मार्टफोन में या किसके डिवाइस में अपने अपना अकाउंट लॉगिन किया है तो आप अपने हाथ से अपने घर बैठे उससे कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ आपको राइट साइड में थ्री लाइन्स दिख रही होंगी, उन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया वेयर यू आर लॉगिन इन, यहाँ पे आपको सी ऑल पे क्लिक कर देना है। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका फेसबुक अकाउंट किस किस डिवाइस में कहाँ कहाँ लॉगिन है और किस तारीख को कितने बजे आपने ये अब उस डिवाइस में लॉगिन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि अभी आपका अकाउंट फ़िलहाल में कहाँ एक्टिव चल रहा है, मतलब ऑनलाइन इस समय है। तो यहाँ से आप देख करके उसे मैनेज कर सकते हो। आप जहाँ चाहो उसे छोड़ भी सकते हो, अगर आपके जाने वाले डिवाइस में है तो आप उसे छोड़ सकते हैं और आपको ऐसा लगे कि आपने उस वहाँ पे लॉगिन किया है आप भूल चुके हैं तो आप वहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। तो फाइनली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में नीचे की तरफ दिख जाएगा लॉग आउट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे इसे लॉग आउट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पूरे इस डिवाइस से एक ही बार में लॉग आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप लॉग आउट करोगे तो आपने जहाँ जहाँ लॉगिन किया होगा, जिस जिस डिवाइस में लॉगिन किया होगा, वो सारे डिवाइस में से आपका फेसबुक अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा और वो आदमी उसके बाद उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर उसको पासवर्ड पता नहीं होगा तो सारे जगह से वो आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब बात कर लेते हैं कि आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को कैसे बढ़ा सकते हो, हैकिंग से कैसे बचा सकते हो, क्योंकि आजकल आपको जैसा कि पता है फेसबुक पर काफ़ी सारे हैकिंग चल रहे हैं, कई सारे लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी जो मैं बताने वाला हूँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हो सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपल सा क्लिक करने के बाद ये मैंने ऑन कर रखा है इसलिए मेरे में ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है। आप में एक ऑप्शन आएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके उस पर एक OTP जाएगा, OTP सिंपल सा ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इससे होगा क्या, जब आप अपना फेसबुक आईडी अपने स्मार्टफोन में लॉग इन करोगे, पासवर्ड डालोगे, तब उसके बाद आपके उस मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल आप नंबर आपने इसमें एंटर किया है उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP उसमें आप एंटर करोगे तभी वो आपका अकाउंट ओपन होगा। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने अकाउंट और अपने अकाउंट का पासवर्ड किसी को दे भी दोगे, कोई ले भी लेगा, तो बिना OTP के वो आपका अकाउंट एक्सेस करने वाला नहीं है, आपके अकाउंट को छू भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों इन्हीं कुछ स्टेप्स का यूज करके आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो और हैकिंग से बचा सकते हो, क्योंकि दुनिया भर में हैकिंग काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसे ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए और आपको ये वेयर यू आर लॉगेड इन ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका अकाउंट कहाँ अभी लॉग इन है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।